नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सर आप सबका फिर से स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है अमित सर क्लासेस ASC। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने मॉडल ऑफ सूट के बारे में पढ़ा था, तो आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे द यूज ऑफ मस्ट। मस्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मॉडल वर्ब है और इसका यूज हम लोग डिफरेंट तरीके के सेंटेंस के भाव को बताने के लिए करते हैं। तो ज़्यादा समय ना गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं हम यूज ऑफ मस्ट। दोस्तों, मस्ट प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम को रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, मस्ट जो है प्रेजेंट और फ्यूचर के टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी उसको हम फ्यूचर या प्रेजेंट के टाइम को बताने के लिए मस्ट का यूज करते हैं। आमतौर पर मस्ट का जो मीनिंग होता है उसका भी मीनिंग चाहिए से होता है, चाहिए, लेकिन याद रखिएगा इसमें एक आवश्यकता जरूरी होती है। आवश्यकता मतलब इसमें एक जरूरी वर्ड लगाता है, जरूरी, जरूरी मतलब कि अवश्य चाहिए, जरूर चाहिए, ठीक ना, निश्चित ही चाहिए, यानी ऐसे इस बात पे इस पर जोर दिया जाता है। तो जो मस्ट है, मस्ट का अगर हम पहला रूप पढ़ें तो मस्ट का हम लोग जनरली जो यूज करते हैं वो या तो ऑर्डर के लिए, ऑर्डर मतलब आदेश देने के लिए, कमांड मतलब वही आदेश होता है या दिशा निर्देश देने के लिए करते हैं, ठीक ना। और उसके बाद हम इसको कंपल्सन मतलब होता है मजबूरी होता है, मजबूरी को बताने के लिए करते हैं, या ड्यूटी, किसी को कर्तव्य का बोध कराना हो तो उसके लिए हम मस्ट का यूज हम करते हैं। तो आपको रूल पता ही है कैसे बनता है, बस मॉडल वर्ब है। अब मॉडल वर्ब के बाद आपको पता ही है कि वर्ब लगता है, वर्ब का यूज करते हैं और उसके पहले हम लोग सब्जेक्ट, लास्ट में अगर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट है तो उसका यूज हम लोग करते हैं। तो देखा जाए तो मस्ट का यूज हम लोग ऑर्डर, कमांड, कंपल्सन या ड्यूटी बताने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल की अगर कुछ बात करूँ, जैसे हम कह सकते हैं कि यू मस्ट डू एज यू आर टोल्ड, यानी तुम्हें वैसा ही करना चाहिए जैसा कि तुमसे कहा जाए, यानी इसमें कहीं ना कहीं से ये कमांड दिखा रहा है या ऑर्डर दिखा रहा है कि तुम्हें वही काम करना चाहिए जो तुमसे कहा जाए, अपने मन से कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना चाहिए, ठीक ना। ड्यूटी जैसे कि आई मस्ट हेल्प द पुअर मैन, मुझे अवश्य ही उस गरीब इंसान की मदद करनी चाहिए, ये हमारे ड्यूटी को शो कर रहा है, ठीक ना। या कभी कभी हो सकता है किसी का हम मजबूरी में फंसे हो तो उस मजबूरी को भी शो करने के लिए मस्ट का यूज करते हैं। जैसे कि सपोज दैट अभी आपको होमवर्क करने का मन नहीं कर रहा है, हो सकता है लॉकडाउन में आप घर में बैठे हो, आप पे कोई बर्डन नहीं है, लेकिन यही अगर स्कूल में आप होते हैं तो आपसे बोला जाता है कल ये होमवर्क पक्का चेक किया जाएगा, तो आप कहेंगे ना कि आई मस्ट कम्प्लीट माई होमवर्क टूडे बिकॉज आई हैव टू चेक इट टुमारो, क्योंकि मुझे आज अपना होमवर्क किसी भी हाल में पूरा करना है या मुझे करना चाहिए, क्योंकि मुझे कल इसे क्या करना है, चेक कराना है। तो मजबूरी दिखाने के लिए, ड्यूटी दिखाने के लिए, कर्तव्य दिखाने के लिए, कमांड या ऑर्डर दिखाने के लिए हम मस्ट का यूज हम लोग करते हैं, जिसका अर्थ होता है जरूर चाहिए, यानी अवश्य चाहिए अर्थ में होता है। दूसरा रूल इसका यूज हम लोग स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी यानी मजबूत संभावना, जहां पे मजबूत संभावना होती है, मजबूत संभावना, अगर कोई सेंटेंस हम बोल रहे हैं उसमें अगर बहुत ज्यादा संभावना दिखाई दे रहा है तो उसके लिए हम मस्ट का यूज करते हैं। जैसे कि सपोज दैट कोई आपका फ्रेंड है या ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका नेक्स्ट वीक में बर्थडे है और आपको अप्रोक्स पता नहीं हो कितने साल का है, लेकिन आप गेस कर रहे हैं और आपके गेस करने के पीछे कोई स्ट्रॉन्ग रीजन भी है, तो आप ऐसे बोलेंगे कि ही मस्ट बी 18 नाउ, अब वो 18 साल का हो जाना चाहिए, यानी अगर आप अनुमान लगा रहे हैं कि 18 साल का वो होगा
तो ही मस्ट बी 18, ना वो निश्चित 18 साल का होना चाहिए। यू मस्ट, ही मस्ट, ही मस्ट डू माय जॉब, वो अवश्य ही मेरा काम करेगा, वो अवश्य ही मेरा काम करना करेगा या उसे अवश्य मेरा काम करना चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा संभावना है कि नहीं वो काम कर ही देगा, तो आप वहाँ पर मस्ट का यूज वहाँ पर सिंपली कर सकते हैं। तो आइए हम थर्ड रूल के बारे में पढ़ते हैं। थर्ड रूल जो है हमारा है, थर्ड रूल मस्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। दोस्तों अगर आप लोग मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि ऐसा ही एक रूल हमने पढ़ा था, शुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वो पास्ट के लिए था। तो एक तरह से ये भी पास्ट के लिए ही है, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि जो मस्ट है वो आपका आवश्यकता दिखाता है या स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी होता है, जो संभावना होता है उसको दिखाने के लिए इसका यूज़ हम लोग करते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाएगा तो इसका भी यूज हम लोग पास्ट के, आपको बताया ना कि हैव और थर्ड जो आ जाता है कहीं तो पास्ट को रिप्रेजेंट करने लगता है। तो इसका यूज हम लोग पास्ट के स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी को दिखाने के लिए करते हैं, प्रोबेबिलिटी को दिखाने के लिए करते हैं, पास्ट के स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी को दिखाने के लिए इसका यूज हम लोग। पास्ट के स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी से मेरा मतलब ये है कि ऐसा काम जिसको आप बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाए थे कि काम इसको होना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश वो काम नहीं हो पाता है, तो जहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी होती है और वो काम नहीं हो पाता है, तो उसको बताने के लिए हम मस्ट हैव वर्ब थर्ड का यूज हम लोग करते हैं। जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि कोई मैच था भारत और बांग्लादेश के बीच था, तो जाहिर सी बात है कोई उम्मीद लगाएगा कि भारत बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, उसे वो मैच जीतना चाहिए। लेकिन उसके आपके इतने सोचने के बावजूद भी अगर इंडियन टीम कहीं से हार जाती है तो आप बोलेंगे कि भारत तो मजबूत टीम था, उसे ये मैच जीतना ही चाहिए था, लेकिन इसी कारण वो जीत नहीं पाता है। तो यानी जब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो वहाँ पे और फिर भी वो काम नहीं होता है, तो वहाँ पे हम मस्ट हैव वर्ब थर्ड का यूज करते हैं। जैसे कि इंडिया मस्ट हैव Won the last match। यानी भारत को जो आखिरी जो मैच हुआ था, यानी पिछली बार जो मैच हुआ था, उसे जरूर जीतना चाहिए था, ठीक ना। जैसे कि बादल इतने आकाश में घेरे हुए थे, बारिश होनी ही चाहिए थी। There were black clouds in the sky. It must have rained. बिफोर सम टाइम, यानी कुछ समय पहले बारिश होना ही चाहिए था, लेकिन किसी कारण वो नहीं हो पाया। यानी जहाँ पर संभावना बहुत ज़्यादा हो और फिर भी वो काम ना हो, तो उसको बताने के लिए हम मस्ट हैव वर्ब थर्ड का यूज करते हैं। तो दोस्तों मस्ट का यूज इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा यूज नहीं है, बस मस्ट के 3 यूज है। इसको ध्यान रखिएगा कि मस्ट का यूज हम लोग अवश्य चाहिए के लिए करते हैं, जो ऑर्डर कमांड कंपल्सन या ड्यूटी को दिखाने के लिए किया जाता है। दूसरा यूज तो मैंने बताया था कि मस्ट का यूज हम लोग स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी को दिखाने के लिए, यानी मजबूत संभावना को दिखाने के लिए करते हैं, और इसी स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी जब पास की होती है और जब पूरा नहीं हो पाता है, तो हम मस्ट हैव प्लस वर्ब का थर्ड का यूज करके हम उसको पास्ट के बताने के लिए भी पास्ट का यूज भी उसके लिए हम कर सकते हैं। तो इस तरह देखा जाए तो मस्ट बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, तो देखा जाए तो बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं है। टफ इसलिए नहीं है कि अगर आप उस पर लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए टफ नहीं है, आसान इसलिए नहीं है अगर आप बस हल्के में लेंगे कि यह आसान है मुझे समझ में आ गया, और वर्क नहीं करेंगे तो कुछ दिन बाद फिर आप भूल जाएंगे कि मस्ट का यूज किस लिए किया जाता है। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आएगा और इस पर आप अपना होमवर्क फिर से करेंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपको अपना होमवर्क चेक कराना है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, या फिर जैसे भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके अपना सारा होमवर्क चेक करा सकते हैं। चलिए तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। और देख ही रहे हैं कि बलिया में दिन पर दिन कोरोना के जो मरीज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तो प्लीज़ अपने घरों पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और बाकी हम लोग अपने आपके लिए क्लास ला ही रहे हैं पढ़ाने के लिए, आप इसका इंजॉय करिए, आप उसको पढ़ाई करिए। तब तक के लिए जय हिंद।